आज के लिए वचन भजन संहिता 121 अध्याय उसका 7 पद। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। आमीन। मेरे प्रिय मित्र, आज का वचन भजन संहिता 121 अध्याय उसका 7 पद से लिया गया है। यहाँ कहता है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। हाँ, परमेश्वर आज आपके लिए यही करने जा रहा है। विपत्ति का मतलब क्या है? या भय, या पाप, या यहाँ तक कि बीमारियों का भी उल्लेख कर सकता है। ऐसे चीजें का भी उल्लेख हो सकता है जो हमें अपनी आत्मा में गहरी चोट पहुंचा रही है, जैसे दिल टूटना या अवसाद, या भी हो सकता है शर्म, या ऐसी चीजें जो हमें चोट पहुंचाने के लिए हमारे खिलाफ आती है। हाँ, विपत्ति के बारे में सोचने से हमें बहुत डर ऐसा हो सकता है, लेकिन दिल थाम लो मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपको सभी विपत्ति से बचाएगा। यह वही है जो यहोवा ने इसराइल के लोगों के लिए किया था जब वे मिस्र में थे। निर्गमन अध्याय 12 में मिलता है, हम देखने पाते हैं कि कैसे मिस्रियों को विपत्तियों के कारण इतना संकट झेलना पड़ रहा था कि जो उन पर भेजा गया था, परंतु परमेश्वर ने इसराइलियों को इन विपत्तियों से कैसे बचाया। परमेश्वर इसराइलियों को बकरे के लहू को अपने चौखटों के ऊपर लगा देने को कहा कि मृत्यु का दूध उनके पास से निकल जाएगा और उन पर विपत्ति नहीं आए। और हम पढ़ते हैं कि कैसे इनमें से किसी भी इसराइलियों पर विपत्ति नहीं आई। इसी तरह या आपके जीवन में भी सच हो जाएगा मेरे दोस्तों, परमेश्वर का लहू आप पर और आपके शरीर पर, आपके परिवार पर, आपके घर पर और आपके व्यापार पर रंग दिया गया है। इसलिए मत डरें, परमेश्वर की सुरक्षा आप पर है, आपके पास कोई विपत्ति नहीं आएगी क्योंकि यीशु का लहू आप पर है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, मैं आपकी अद्भुत प्रतिज्ञा के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर और मेरे परिवार पर आपकी कीमती लहू छिड़केंगे। मैं जो कुछ करूं उसे अपने लहू से ढाँप दे। हे परमेश्वर, मुझे आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है ताकि मेरे पास कोई विपत्ति ना आए। हे प्रभु, आज मैं आपके नाम पर और आपके लहू में आपकी शरण लेता हूँ। मुझे सभी विपत्तियों से छुड़ाने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरी रक्षा करें, मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा करें। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।